कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जैसे मैं छत पे आया और देखा चारों तरफ धुंध धुंध, और रात को इतनी ज़्यादा धुंध थी मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि अंधेरा काफ़ी था और आमने सामने का बंदा नहीं दिखाई दे रहा था। तो अभी छत पे आया और देखा अभी तक तो यहाँ इस साइड से सूरज निकलता है और सूरज भी नहीं निकला अभी तक। और कुछ ऐसा दिखाई दे रहा, ब्लर हो गया ये, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है चारों तरफ। और आमने सामने का बंदा तो अभी दिखाई दे रहा है बट रात को तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई दे रहा था। और इस साइड से निकलता है सूरज, तो अभी देखो कैसी है। और मैं पूरा बिल्कुल पैक हूँ इस टाइम ठंड से बचने के लिए। मैं और मेरे साथी आज जाएंगे कुछ नया एडवेंचर करने, तो आई होप आप सब देखना कैसे एडवेंचर किया जाता है कैसे नहीं। गांव और गांव में जो आसपास के जंगल हैं वहां पे कैसे एडवेंचर किया जाता है कैसे नहीं, मतलब वो आपको हम बताएंगे कैसे रहते हैं कैसे नहीं जंगल में। और चारों तरफ तो आप देख ही सकते हो जंगल ही जंगल है, और अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा फ़िलहाल क्योंकि अभी चारों तरफ धुंध वगैरह पड़ी हुई है। तो ये जंगल है, सब आगे पीछे जंगली जंगल है। तो और मैं आपको बताता हूँ, ये है हमारा माता जी का मंदिर, और ये है हमारा, ये भी देवी देवताओं का मंदिर है, देवी देवते होते हैं वो वाला मंदिर है। तो हम आपको बताएंगे कैसे आज एडवेंचर करेंगे कैसे नहीं। तो आई होप दोपहर तक धूप निकल आए, तो अगर निकल आए तो सबसे बढ़िया, अगर नहीं तो फिर बाद में जाएंगे तो ठंड वगैरह काफ़ी होगी और आपको दिखाएंगे। तो आज हम करने वाले हैं एडवेंचर खतरनाक वाला, तो हम जा रहे हैं अभी जंगल की ओर। तो अभी एडवेंचर करते हैं और आपको दिखाते हैं साथ में और कैसे कैसे रहते हैं जंगल में। तो अभी चलते हैं। तो और मैं और मेरे तीन साथी हो रहे हैं, और मेरा एक साथी पीछे रह गया। टमी टमी, तो ये देखो अंधेरा ही, चारों तरफ अंधेरा। तो ये देखो नज़ारा कुछ इस तरह का है, ये देखो। दिख रहा आपको कितने खतरनाक कांटे हैं, ये देखो चारों तरफ यही है। और ये देखो गुफा बनी हुई है जाने के लिए, इस तरह का कुछ एडवेंचर। तो अभी चलते हैं और आपको साथ में दिखाते हैं, और मेरा हथियार भी मेरे साथ है। तो ये देखो कितना अंधेरा है, और धूप निकली है फिर भी इतना अंधेरा है नीचे। आई होप आपने कभी ऐसा देखा नहीं होगा, देखा भी होगा शायद आप गए नहीं होंगे। तो ये देखो खतरनाक वाला सीन आपको दिखाते हैं। और ये देखो ये है खूनी नाला ऐसा है कुछ। और ये देखो ये अंधेरा, ये है बांस जिसे कहते हैं, कुछ ऐसा है। तो इस तरह की जगह आपने भी नहीं कभी देखी होगी। ये देखो जंगल ही जंगल चारों तरफ, ये देखो एक अलग ही एडवेंचर कर रहे हैं आज हम। और यहाँ पे करेंगे साथ में कैंपिंग, और साथ में बनेगा यहाँ पे बकरा मटन बनेगा यहाँ पे। तो आपको दिखाते हैं, ये देखो खतरनाक वाला सीन है यहाँ पे।
आज बनना पड़ेगा मुझे, वेयर ग्रिल बनना पड़ेगा। ये देखो रास्ता, सूर का रास्ता। ये देखो यहाँ से सूर वगैरह और जंगली जानवर जाते हैं यहाँ से, तो हम भी इसी ओर जाते हैं। चलते हैं, आपको दिखाते हैं साथ में। और यहाँ पे भेड़ बकरियाँ भी हैं यहाँ पे साथ में। ये लोग भरमौर से आए हैं ये भेड़ बकरियाँ लेके। और सांसें फूल गई मेरी, काफ़ी थक गया हूँ। और यहाँ पे ठंड भी काफ़ी है। हाय, ये देखा ये सो रहा है वो भेड़ बकरी वाले बंदे। और वो देखें नीचे दरिया रावी नदी। कुछ दिखा ही नहीं अभी तक। वो उस पहाड़ी के पीछे हैं, इस पहाड़ी के पीछे हैं वो लोग। तो अभी उनको करने देते हैं काम जो कर रहे हैं, हम चलते हैं अपनी ओर। हाँ वो देखो नीचे क्योंकि धूप वगैरह पड़ रही है ना, तो दिख नहीं रहा। ये देखो ये है वो। आज जंगल में होगा मंगल। थक गया हूँ यार, काफ़ी नीचे से आया हूँ मैं। और मेरे तीन साथी पता नहीं कहाँ चले गए, कहाँ ने। ये देखो जाने के लिए रास्ता देखो कितना भयंकर है। और देखो और नीचे देखो कितना वो दिखाई दे रहा है नीचे। चारों तरफ जंगली जंगल। और कहाँ फंस गए हम? हम लोगों को ऐसे जाना पड़ेगा नीचे घिसते हुए। थक गया हूँ यार, यहाँ पहुँचे पहुँचे। ये देखो पूरा पेड़ नीचे गिरा हुआ है, ये पता नहीं कैसे गिरा नीचे। ऊपर से पत्थर आ रहे हैं ये देखो नीचे। और ये देखो पूरा पेड़ नीचे गिरा हुआ है। और हमारा डॉग उस साइड है शिकार के लिए आया वो भी। ये देखो इसे देखो, तभी ये देखो नज़ारा कुछ इस तरह का है यहाँ पे। और वो दिखाई दे रहा है नरनपुर, इसे देखो। टमी
यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा है, ये देखो इसको ये देखो पत्थर और यहाँ चलने के लिए रास्ता, चलने के लिए रास्ता देखो कितना है, वो नीचे खाई बिल्कुल, ये देखो नीचे खाई। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से कहीं नीचे ना गिर जाऊं, बाकी खैर छोटी छोटी गुफाएं बनी हुई हैं नीचे जाने रास्ते की। और कहाँ पहुँच गए हम, जाइए वो रहे नीचे हमारे घर। और हम देखो कितने झूम की हुआ है और कहाँ पे हम इस टाइम खड़े, और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। और ये देखो चारों तरफ ये हमारे घर नीचे, और देखो हम कहाँ पे हैं इस टाइम। तो आज हम गए थे कुछ नया एडवेंचर करने के लिए, जो हमारे साथ जिस लड़के ने जाना था वो गया नहीं आज, और हमने सोचा कि हमारे पास पूरी मतलब तैयारी है जाने के लिए, बट हुआ नहीं ऐसा, क्योंकि जो सामान चाहिए था वो लड़के के पास था, वो लड़का गया नहीं हमारे साथ। और अब भी आया हूँ यहाँ पे मैं नहाने के लिए, और देख लो आप चारों तरफ कैसा है कैसा नहीं, और उस साइड नहाना हमने इस साइड। और अभी यहाँ पर आया हूँ मैं रनिंग करने, तो रनिंग करने के बाद हम नहाएंगे। और सूर्य देव देखो कहाँ पहुँच गया, सनसेट होने वाला अभी, तो अभी आया था मैं रनिंग करने। तो ये है हमारा रनिंग का ट्रैक ये वाला, और यहाँ से होगा कोई 2.5 किलोमीटर, मैक्सिमम 2 किलोमीटर होगा आई थिंक। तो ये है हमारा कुछ